हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला हॉल में बैठी टीवी देखते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, अरे ओ बहू, अरे ओ जानवी, कहाँ है? जान निकलवा कर मानेगी क्या? हाँ माँ जी, बोलिए, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे जुबान संभाल कर बात कर, मेरी शाम की चाय कहाँ है, बनाना भूल गई क्या? वो माँ जी माफ करना, घर के काम ही इतने सारे हैं कि मैं भूल गई, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, सजना सवरना तो नहीं भूलती, चल जा, आप जल्दी बना कर लेके आ। जी माँ जी, पूरा दिन बस ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती है, यूँ नहीं होता कि जरा आराम से बात कर लूँ, पर नहीं, ऐसा बोलेंगी तो घिस जाएंगी। इनकी सास भी ऐसी होती ना, तब इन्हें पता चलता जो इनके ऊपर खूब सारा गुस्सा उतारती। अगर खड़े खड़े मन में गालियाँ दे दी हो तो जाकर चाय बना दे। जानवी अपनी सास के लिए चाय बनाने जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो उसको चाय देकर जाने लगती है, तभी विमला बोलती है, सुन रही बहू, आज शाम को कढ़ाई पनीर बना लियो, मेरा मन कर रहा है खाने का। जी माँ जी, बना दूंगी। हाँ हाँ, बैठे बैठे ऑर्डर चलाना कितना आसान है, लेकिन बनाया नहीं जाता, कभी मेरी मदद तक नहीं करी। अरे ऐसे फरमाइशें करती हैं जैसे 5-स्टार होटल में बैठी हो और मैं इनकी नौकर हूँ। जानवी रसोई में जाने लगती है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी दादी सास कल्याणी आई हुई है। वो उसके पैर छूती है, जिसके बाद वो उसे सामान समेत अंदर लेकर आती है और विमला बोलती है, माँ जी देखो कौन आया है। विमला जैसे ही नजर उठाकर देखती है तो उसके हाथों से चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो अचानक से खड़ी होकर बोलती है, पाए लागू सासू माँ, आप यहाँ कैसे? अरे दूर से ही पाए लागू करती रहेगी या पैर भी छुएगी, तुझसे अच्छी तो तेरी बहू है, बिना कहे ही पैर छू लिए। माँ जी मैं आ रही हूँ, वो माँ जी मैं दूर थी ना, इसीलिए दूर से ही कर दी पाए लागू। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा भोली मत बन, जा जाके मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ जी। बहू जा जाकर सासू माँ के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर दे। ठीक है माँ जी। एक मिनट जानवी बहू, विमला मैंने तुझे नाश्ता लाने के लिए कहा है ना, तो तू ऑर्डर क्यों पास कर रही है? अरे इसलिए माँ जी क्योंकि जानवी खाना अच्छा बनाती है। चुप कर नलायक कहीं की, आज भी काम चोर की काम चोर ही है तू। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी बहू, तो मेरी सेवा तू करेगी, चल नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ जी। ये बुढ़िया क्यों आ गई मेरी छाती पे मूंग दलने, अच्छा खासा बहू से सेवा करवाते हुए जिंदगी गुजर रही थी मेरी। कल्याणी के आने से विमला का सुख चैन सब छिन जाता है, जो सास अब तक अपनी बहू को जूती की नोक पर रखती थी और आज उसकी सास ने उसे पैरों की चप्पल लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब दिन बदल गए थे, कल्याणी के आने के बाद विमला के ऐश के दिन खत्म हो गए थे। ऐसे ही एक शाम कल्याणी और विमला बैठकर टीवी देख रही थी, तभी कल्याणी बोलती है, अरे बहू मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मालिश कर दे। जानवी सासू माँ बुला रही हैं, आना जरा बाहर। माँ जी अभी आ रही है जानवी, वो लगा देगी। अरे कमबख्त, तूने क्या ठेका लिया है अपना काम दूसरों से करवाने का, जब मैंने तुझे बोला है कि तेल लगाकर तू मेरी मालिश कर, तो तू अपनी बहू से क्यों कह रही है, तुझे दिक्कत हो रही है? अरे रे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भला मुझे आपसे क्या परेशानी होगी, अभी आप रुकिए, मैं तेल लेकर आती हूँ और आपकी मालिश कर देती हूँ। विमला तेल लाकर अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। कुछ देर बाद में विमला का बेटा सुरेश और कल्याणी का बेटा कमलेश घर आता है, तभी कमलेश विमला को देखकर बोलता है, अरे विमला पानी लाना जरा। जानवी तेरे पापा और तेरे पति आ गए, जल्दी से पानी ले आ और चाय भी चढ़ा दे। देख ले लल्ला, तेरी बीवी को हर काम अपनी बहू से कराने की आदत है, तूने इसे पानी लाने के लिए कहा और इसने उसे ऑर्डर दे दिया, अपने तो हाथ पैर ये भैंस हिला ही नहीं सकती। ये क्या है विमला, तुम पानी नहीं ला सकती थी? हर छोटी छोटी चीज के लिए बहू को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? वाह जी, आज माँ के आगे आपकी भी जुबान निकल गई। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी मदद किसने करी थी, पूरा पूरा दिन काम करती थी मैं, लेकिन आज मैं जब अपने बहू से सेवा का सुख ले रही हूँ तो किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तभी जानवी पानी लाकर कमलेश और सुरेश को देते हुए बोलती है, अरे माँ जी आप फिक्र मत करो, अरे मैं तो मरते दम तक आपकी सेवा करूँगी, आप गुस्सा मत हो। इतनी अच्छी बहू मिली है पर इसे जरा भी कदर नहीं है उसकी। हाँ बहू,
एक तू ही तो मुझे समझती है। कुछ देर बाद में सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पर सुरेश कमरे में आकर जानवी से बोलता है, जान आज तुमने जैसे बात को संभाला सच में बहुत बढ़िया था, मुझे मेरी बीवी पर नाज है। अच्छा जी, पर माँ जी तो मुझसे घर के सारे काम करवाती है, मुझे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरा थोड़ा हाथ बटा दे। अब अगर मैं सामने से जाकर बोलूँगी कि माँ जी मेरी काम में हेल्प कर दो, तो उन्हें लगेगा कि मैं जबरदस्ती उनसे काम करवा रही हूँ, इसीलिए मैं बिना कुछ बोले काम ही करती रहती हूँ। कोई नहीं, माँ को ये खुद एहसास होगा, पर अगर नहीं भी हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा घर भी नहीं है कि अब एक नौकरानी रखे, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, तुम चिंता मत करो, चलो अब सोते हैं। जानवी और सुरेश दोनों सो जाते हैं, लेकिन उनके कमरे के दरवाजे पर कल्याणी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, विमला को ये एहसास करवाना ही होगा कि वो एक बहू घर पर लाई है, ना कि कोई नौकरानी खरीद के लाई है। अगले दिन कल्याणी बाहर जाते हुए विमला को घर के काम करने को बोलती है, और विमला कल्याणी के जाते ही जानवी को आवाज लगाकर बोलती है, बहू सुन, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दे, फिर खाना भी बना लियो, माँ जी के आने से पहले सारे काम कर ले। पर माँ जी, मैं ये सारे काम अकेले कैसे करूँगी, आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। अरे वाह, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी, तब मैंने अपनी सास से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही उन्होंने मेरी मदद की, और तुझे मदद चाहिए। माँ जी, मैं सारे घर का काम करके बहुत थक जाती हूँ, थोड़ी तो मदद कर दो मेरी, बाकी मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता, जो करना है तुझे ही करना है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। विमला जानवी की मदद करने से साफ मना कर देती है, लेकिन तभी कल्याणी आती है और ताली बजाते हुए बोलती है, वाह बहू वाह, तेरा दिया काम तेरी बहू के लिए ऑर्डर है, तो मेरा दिया काम भी तेरे लिए ऑर्डर हुआ ना, वो बेचारी पूरा दिन कोलू के बैल की तरह लगी रहती है, उफ तक नहीं करती, लेकिन तुझे उसकी जरा भी कदर नहीं है। माँ जी, जब आप मुझे कोई काम देती थी तो क्या मैं आपसे मदद मांगती थी, और जब आज मेरी सास बनके ऐश करने की बारी आई है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। विमला, मेरे टाइम पर बात अलग थी, तब परिवार में केवल हम तीन लोग थे, काम एकदम ना के बराबर था, अब ये तो देख के परिवार भी बड़ा है। अरे परिवार बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा ना, अगर तू अपनी बहू की जरा मदद कर देगी तो घिस जाएगी क्या। अरे शुक्र मना तेरी बहू अच्छी है, नहीं तो आजकल की बहुएं ना सास के नाको चने चबवा देती है। वैसे माँ जी सही कह रही है, बहू ने आज तक मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, हमेशा मेरी हर बात को सर झुका के माना, बदले में थोड़ी सी मदद ही तो मांगी थी उसने, इसमें हर्जी क्या है। अरे कहाँ खो गई तू, अरे बहू को बहू समझेगी तो वो भी तुझे सास ही समझेगी ना, मुझे तो वक्त रहते ये बात समझ नहीं आई, पर तू तो समझ ले, अगर मैंने समझा होता तो तेरा मेरा रिश्ता भी आज तकरार वाला नहीं बल्कि प्यार वाला होता। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, गलती मेरी है, मैं हमेशा से आपको ही दोष देती रही कि आप हमेशा एक सास जैसा ही बर्ताव करती रही, पर मैंने भी कभी आपकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। बहू, मुझे मेरी अब तक की गलतियों के लिए माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मुझसे माफ़ी मत मांगिए। माँ जैसी नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ, और अब से हम दोनों घर का हर काम बांट कर करेंगे। ओहो, ये हुई ना बात, चल विमला बहू अब मेरे लिए जूस बना ला। जानवी बेटा, माँ जी के लिए जूस मैं ही बनाऊंगी। विमला की इस बात पर कल्याणी और जानवी हंसने लगते हैं, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू को सुधार कर वापस अपने गांव चली जाती है, और फिर विमला कभी भी जानवी के साथ बहू जैसा सलूक नहीं करती, और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह जिंदगी में खुश रहते हैं। लवण्या अपने हाथों में सब्जी लिए हाफते हुए घर आती है, और उसे ऐसे आता देखकर उसकी माँ कविता उसे बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती आ रही है। माँ, आप भी सुनेगी ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी, मैं तो अच्छा भला सब्जी ले रही थी, तभी एक कुत्ता मुझे देखकर भौंकने लगा, उसे भौंकता देखकर मैं डर गई, मैं भागने लगी और वो कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। अच्छा ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया बदल ले, लड़की की माँ सुमन तुझे देखने आ रही है। कौन सुमन? तेरी होने वाली सास। और हाँ, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो अपना ये रेडियो बंद रखना, बहुत बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है।
इतना बोलकर कविता तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही देर बाद में सुमन अपने बेटे अरमान के साथ में लवण्या को देखने आती है और उसे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चली जाती है। सबके जाने के बाद लवण्या अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है, जिसे देखकर कविता उसके पास आती है और उसे बोलती है, सुन बेटा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। देख बेटा, तू बहुत भोली है या तो फिर बेवकूफ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि अरमान और उसका परिवार थोड़ा सीरियस किस्म का है, तो इसलिए वहाँ जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। माँ, मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ, और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सुनो तोलो फिर बोलो, इसीलिए मैं हर जगह सोच समझ कर बोलती हूँ। आप टेंशन मत लो, बस मेरी शादी की तैयारी करो। लवण्या का भोलापन और उसकी खुशी देखकर कविता उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ ही दिनों में अरमान और लवण्या की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को लवण्या अपने रूम में अरमान का वेट कर रही होती है, तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपने हाथों पर लगाकर उसे सूंघने लगती है। तभी अरमान रूम में आता है और ऐसे उसे अचानक आता देखकर उसके हाथों से परफ्यूम नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अरमान बोलता है, सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपका परफ्यूम लगा लिया। मुझे पता है कि किसी से पूछे बिना उसकी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। अरमान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना बिस्तरा लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भी अरमान बिना लवण्या से कुछ भी कहे ऑफिस निकल जाता है। अरमान के जाने के बाद लवण्या अपने रूम में बैठकर टीवी में मूवी देखने लगती है, तभी उसकी सास उसके पास आकर उसे बोलती है, लवण्या बहू, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ माँ जी, वैसे आपको एक बात बताऊँ, इतने बड़े टीवी में मूवी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉल में मूवी देख रही हूँ, और आप जब ऐसे कमरे के अंदर आई ना, तो मुझे लगा कि टिकट चेक करने वाला आ गया। ओह, वैसे मैं मजाक कर रही थी, मुझे तो चुप रहना अच्छा ही नहीं लगता। अरमान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, वो बस मैंने उनसे बिना पूछे उनका परफ्यूम लगा लिया था, इस बात को लेकर थोड़े से नाराज है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर। और एक बात और कहनी थी कि तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। नहीं माँ जी, मैं किसी की बातों का क्या बुरा मानूंगी, और वैसे भी उनकी बात का क्या बुरा मानना, जिन्होंने अभी तक मुझे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी तक उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी। वो ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही है ना, तो अक्सर वो ऐसे ही बिना बोले निकल जाता है, और रात को जब वो आए तो उससे बात करना तुम। जी माँ जी, तो फिर मैं आप मूवी देख लूं? कविता लवण्या से बात करके वहाँ से चली जाती है, और रात को अरमान घर वापस आता है, जहाँ लवण्या उसे बोलती है, अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ उस दिन के लिए, अब अपनी बीवी से इतनी भी क्या नाराजगी की आप बात ही नहीं कर रहे, वैसे भी मैंने अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, कहीं आप गूंगे तो नहीं है? मैंने देखा है कि अमीर घरों के लड़के गूंगे बहरे होते हैं और फिर गरीब घर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो तो गूंगा था। मैं गूंगा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, सुन लिया तुमने? शुक्र है भगवान का, आप बोले तो सही, मुझे तो लगा था कि आप गूंगे हैं, अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे मेरे मन में। लवण्या की बकवास बातें सुनकर अरमान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अरमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और लवण्या उसको टाई बांधता देखकर उससे बोलती है, पता है आपको, मुझे टाई बांधना बड़ा पसंद है, पर ये जो टाई में समोसा बनाना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है, पर देखो ना आपने कितना अच्छा बनाया है, मुझे भी सिखा दीजिए ना। ये पकड़ो टाई और इसे अपने मुंह पर बांध लो। इतना बोलकर अरमान गुस्से में वहाँ से ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो सारी बात अपने दोस्त अमन को बताता है। अमन सारी बात सुनकर हंसने लगता है, और उसे हंसता देखकर अरमान बोलता है, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है? यार तुझे तो पता है ना कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी शादी जबरदस्ती लवण्या से हो गई। अगर नीति को पता चला
तो यार मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। देख भाई, तूने जितना मुझे भाभी के बारे में बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाभी बहुत भोली है, इसलिए मेरी मान और सारा सच भाभी को बता दे। अमन की ये बात सुनकर अरमान कुछ सोचता है और घर आ जाता है। घर पर जाते ही अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है, तभी नीति का कॉल आता है जिसे लवण्या देख लेती है और अरमान के आते ही उससे बोलती है, ये नीति कौन है? उसका बार बार कॉल आ रहा था। तुमने बात तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने बात नहीं की। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझसे डरिए मत, सबको सच सच बता दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। वैसे कैसी दिखती है, मुझे फोटो दिखाएंगे उसकी? तुम पागल हो? तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड है और जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो शादी करना चाहती है मुझसे, समझ रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं। वैसे इतने बड़े घर में हम तीन ही तो लोग हैं, अगर शादी करके नीति भी इस घर में आ जाएगी तो घर कितना भरा भरा लगेगा। और आप टेंशन मत लो, हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे, मैं करवाऊंगी आपकी शादी नीति से। मुझे लगता है ये सब जानकर तुम पागल हो गई हो। लवण्या की बातों पर अरमान को यकीन नहीं होता और वो दूसरे रूम में चला जाता है। अगले दिन लवण्या सारी बात सुमन को बता देती है और अपनी सास को अपनी कसम देकर अरमान की दूसरी शादी के लिए राजी भी कर लेती है। ये सब देखकर अरमान भी नीति को फोन करके सारा सच बता देता है। ये सब सुनकर नीति उसे बोलती है, अरमान लावण्या भोली है, मैं नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकती। पर लवण्या को इससे कोई एतराज नहीं है, और तो और उसने माँ को भी मना लिया और तुम हो कि मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि हम गलत हैं और मैं अपनी खुशी के लिए किसी मासूम की खुशी नहीं छीन सकती। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम्हें पता है अगर किसी लड़की का पति उसे छोड़ दे तो लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं? तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को जब मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया था। और लवण्या एक भोली भाली लड़की है, उसका ख्याल रखना इतने मासूम लोग अब बहुत कम मिलते हैं। इतना बोलकर नीति अरमान का कॉल कट कर देती है और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं अरमान नीति के समझाने पर लवण्या को हमेशा के लिए अपना लेता है और उसके बाद वो लवण्या को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।